आज हम बनाएंगे बतख। मैंने एक पुराना कपड़ा लिया है और ये मैंने कागज लिया था। कागज के ऊपर ये बतख का चित्र बनाया, फिर मैंने कैंची से काट दिया। अब हम इन्हें रखेंगे एक कपड़े पर इस तरह से, फिर पेंसिल से लाइन करेंगे। इस तरह से लाइन करना है इसके ऊपर। अब ये लाइन पूरी खींच देंगे, ये ऐसे लाइन खींचना है। ये इस तरह से लाइन हो जाएगी। फिर हम इस कागज को हटा देंगे। आप इन्हें हटा देंगे। अब यहां से कैंची से कट कर देंगे। कैंची से कट किया और अब हम इस बतख को टुकड़े के ऊपर रखेंगे और गोलाई में लाइन खींचेंगे। फिर इस कपड़े को मोड़कर कट कर देंगे और अब हम बतख की जो दो टुकड़े बनाए थे इन्हें हम सुई और धागा से सिल देंगे। अगर आपके पास सिलाई मशीन हो तो आप सिलाई मशीन से सिलाई लगा सकते हो। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी सिलाई लगा सकते हो। मैं आपको हाथ से सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये सिलाई इस तरह से लगाना है। पूरे में नहीं लगाना है, इतनी जगह छोड़ देनी है। नीचे की साइड में थोड़ी सी जगह छोड़नी है जहां पर ये टुकड़ा लगेगा। अब ये यहाँ पे लगेगा, ऐसे पहले नाप दें, फिर यहाँ पे पेंसिल से पॉइंट लगा दें। यहाँ पे एक पॉइंट करें इस तरह से, फिर यहाँ पॉइंट तक सिलाई लगा दें। अब पॉइंट तक सिलाई इस तरह से लगाएं, फिर गांठ लगा दें ऐसे। अब जो ये छोटा पीसेस है वो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ इस तरह से एक हटा ऊपर हटा देना है और इनसे जोड़ देने का। ये इस तरह से यहाँ पे लगाना है। जैसे इस साइड लगाएंगे वैसे ही उसी साइड में लगाना है। ये देखो इस तरह से दोनों साइड से लग जाएगा ये। यहाँ सिलाई हो गई है। अब इस तरह से यहाँ पे भी गांठ लगा दें और पीछे की साइड से छोड़ देने का थोड़ा। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दी है। और यहाँ पीछे जगह छोड़ी है, यहाँ सिलाई है। यहाँ जो पीछे जगह छोड़ी है अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से इन्हें घुमा दें। इस तरह से सीधा करें।
अब पेंसिल की सहायता से चॉन्च ठीक कर दें। पीछे बसे हुए कपड़े से हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे इस तरह से टुकड़े करेंगे। अगर आपके पास रुई है तो आप रुई डाल सकते हो, ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। फिर इसके अंदर भर देंगे। फिर इन्हें अंगुली से दबा करके जो ये खुला भाग है यहाँ सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई हो गई है। अब काला धागा लेंगे और आंख बनाएंगे। मैं सुई और धागे से यहाँ पे आंख बनानी है इस तरह से। आँख का आकार दें। मैंने ये ऐसे ही आँख बनाई है। अगर आप पेंसिल या पेन से पहले लाइन खींच कर उसके ऊपर भी आँख बना सकते हो, और ऐसे ही बना सकते हो तो ऐसे ही बना दो, बहुत ही अच्छी बनेगी। ये इस तरह से दूसरी साइड में भी बना दें। देखो बहुत अच्छा लुक आया है आँख का।